एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही चतुर और लालची बनिया रहता था। वह अनाज का व्यापारी था। वह अपना अनाज सभी गांव वालों को दुगने और तिगने दामों में बेचता था और इसी के चलते उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन उसके मन में आया कि मैंने लोगों से काफी सारा धन कमाया है, वो भी दुगने और तिगने दामों पर। क्यों ना थोड़ा सा धन भगवान को दे दूं, ताकि मुझे थोड़ा पुण्य मिलेगा। वो बनिया गांव के ही एक शिव मंदिर में जाता है और वहां पर भगवान शिव को थोड़ा सा पैसा चढ़ा देता है। भगवान, मैंने जो भी धन कमाया है वह तो आपको पता ही है कि कैसा कमाया है। अब क्या करूं, बनिया बुद्धि है, धन तो कमाना ही पड़ता है। बस जो भी कमाया है उसमें से थोड़ा सा आपको अर्पित करना चाहता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा पुण्य मिले। भगवान बनिए की इसी बात को सुनते हुए प्रकट हो जाते हैं। मैं तेरी बातों से प्रसन्न हुआ, कुछ मांगना है तो मांग ले। प्रभु, अहो भाग्य मेरे कि मुझे आपके दर्शन हुए, पर मुझ जैसे लालची को आपने भी दर्शन दे दिए। अरे पगले, मैं तेरी इसी बात से प्रसन्न हूँ कि तेरे पास इतना पैसा आने के बाद भी तूने मुझे याद रखा, वरना लोगों के पास पैसा आता है और लोग भगवान को भूल जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आपने दर्शन दिए। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तुझको एक वरदान देना चाहता हूँ, कुछ मांगना है तो मांग ले, बस वरदान एक ही दूंगा। परंतु प्रभु, अभी एकदम से कैसे? अरे पगले, तेरी भक्ति को देखकर हम वरदान देना चाहते हैं। तुझे चाहिए हो तो ठीक है, वरना फिर कभी देखते हैं। नहीं नहीं प्रभु, आप वरदान दे ही रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, बस एक बार घर जाकर आता हूँ। ठीक है, जा अपने घर वालों से भी पूछ ले, परंतु याद रखना वरदान केवल एक ही मांग सकता है तू। जी प्रभु, समझ गया, बस अभी गया और अभी आया। बनिया फटाफट दौड़ लगाकर अपने घर की तरफ जाता है और अपनी अंधी माँ से मिलता है। मामा, आज मैं मंदिर गया था शिव जी के और शिव जी ने प्रकट होकर मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तू बता मैं क्या वरदान मांगू। चल रे झूठे, तुझ जैसे लालची को भगवान दर्शन दे दे, ऐसा कोई संभव है क्या? मामा, मैं सच कह रहा हूँ, बस अब जल्दी बता क्या वरदान मांगू। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू तो देख ही रहा है तेरी माँ को, मैंने तो कभी दुनिया ही नहीं देखी है इन आँखों की वजह से। जा भगवान शिव से बोल तेरी माँ की आँखें लौटा दे। क्या माँ, तू भी पूरी उम्र तो अंधी रही है, अब वरदान में आँखें मांग के वरदान खराब कर लूँ? तू रहने दे, तेरी बहू से पूछ लेता हूँ। अरे भगवान, सुनती हो, भगवान शिव ने तुम्हारे पति को दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, क्या वरदान मांगू समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ जरा। अरे मुझसे क्या पूछते हो, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, भगवान शिव से संतान प्राप्ति का ही वरदान मांग लेते, तुम्हें नहीं पता मुझसे पूछने आ गए। अरे तू भी क्या बच्चा बच्चा करती रहती है, अनाथ आश्रम से बच्चे ले आएंगे, उसके लिए वरदान खराब करने की क्या जरूरत है? अरे तुम ना लालची को लालची ही रहोगे, तुम्हारे लिए तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, खुद ही सोच लो क्या करना है। बनिया वहाँ से चला जाता है और दौड़ते दौड़ते वापस शिव मंदिर में आ जाता है। तो सोच लिया तूने क्या वरदान चाहिए तुझे? हाँ भगवान, सोच तो लिया है, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देख सके। शिव जी भी थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, वाह बेटा वाह, यहाँ भी तूने अपनी बनियागिरी दिखा दी, मैं तेरी इस चतुराई भरे वरदान से भी प्रसन्न हूँ, तथास्तु, तेरी मनोकामना पूर्ण हो।